तो सबसे ज्यादा चांसेस किस चीज के आने के हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस, जिनके कोर्स में ये चैप्टर है 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है। जिनके कोर्स में नहीं है तो बेटा उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता तो होना चाहिए ना कि कैश बेसिस नाम का भी कोई चीज होती है। आधे घंटे में नॉलेज एनहेंस हो जाए तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। चल क्लोज करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस सिस्टम एंड अक्रूअल बेसिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? जितनी बातें सुनी है उसी की समरी है। सबसे पहला, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, अक्रूअल बेसिस बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अक्रूड अनअर्न्ड, अक्रूअल बेसिस में एडजस्टमेंट्स विल बी मेड, दे विल बी अकाउंटेड, कैश बेसिस में दे आर नॉट एडजस्टेड। कोई भी डाउट? प्रॉफिट और लॉस अक्रूअल बेसिस, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज एसर्टेन्ड, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट एसर्टेन्ड, नॉट एसर्टेन्ड इन कैश बेसिस, अक्रूअल बेसिस में यस। टेक्निकल नॉलेज अक्रूअल बेसिस के लिए चाहिए, कुछ बच्चों के पास अभी तक नहीं मिली और इतनी कोई टेक्निकल नहीं है। जितनी बातें बता दी उतनी ही पता होनी चाहिए आपको। इट रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज एज मेनी एडजस्टमेंट्स लाइक प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कैपिटल रेवेन्यू, तो टेक्निकल नॉलेज चाहिए उसके लिए आपको, कैश बेसिस के लिए नहीं चाहिए। लीगल पोजिशन अक्रूअल बेसिस इज रिकग्नाइज बाय द कंपनीज एक्ट 2013, कैश बेसिस इज नॉट रिकग्नाइज बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 सिर्फ कंपनीज पे ही अप्लाई होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पे अप्लाई नहीं होती है। कहने का मतलब कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप्स और पार्टनरशिप्स आज की डेट में भी कैश बेसिस फॉलो करती हैं, तो वो इनवैलिड सिस्टम नहीं है उनके लिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट उन पे अप्लाई नहीं होता। तो अगर आपको सूट करता है आपके बिजनेस को तो कर लो फॉलो, अगर आपको अलाउड है तो। एक्सेप्टेबिलिटी, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एक्सेप्टेबल बिकॉज इट रिवील्स द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस, कैश बेसिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस एज इट डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी, अक्रूअल बेसिस इज मोर रिलायबल एज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, अक्रूअल बेसिस इज मोर रिलायबल, कैश बेसिस इज लेस रिलायबल, क्योंकि वो कंप्लीट सिस्टम ही नहीं है, वो एडजस्टमेंट ही नहीं कर रहा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की। सूटेबिलिटी, किसको अलाउड है, किसके लिए सूटेबल है? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर बिजनेसेस एज इट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी मेड अवेलेबल बाय अक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस इज सूटेबल फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लॉयर्स एक्सेट्रा, सिंस दे डू नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन विच दे रिक्वायर इज रिलेटिवली लेस। तो क्या कहता है कैश अकाउंटिंग? रिकॉर्ड द इनकम व्हेन यू रिसीव इट, रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस व्हेन यू पे इट। अक्रूअल कहता है रिकॉर्ड द इनकम व्हेन यू अर्न इट, द राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, पैसे मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक्सपेंसेस अक्रूअल बेसिस, व्हेन यू इनकर इट, एक्सपेंस इनकर हो गया, बेनिफिट अवेल हो गया, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये है कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।